अगर आप रोहिणी के अंदर को 2BHK बिल्डर फ्लोर सर्च कर रहे हैं अफोर्डेबल रेंज में, तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे रोहिणी सेक्टर 24 में एक बिल्डर फ्लोर जो कि DDA के 32 मीटर के प्लॉट पे बना हुआ है। इसके आपको प्राइस भी अपडेट करेंगे, इसके अंदर आपको कितना लोन मिल जाएगा ये भी अपडेट करेंगे। सत श्री अकाल जी सारियां नूं, मेरा नाम जसविंदर सिंह है और स्वागत है आपका 99 ब्रिक्स रियल स्टेट चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे DDA के 32 मीटर कॉर्नर प्लॉट पे बना हुआ एक 2BHK बिल्डर फ्लोर जो कि रोहिणी सेक्टर 24 में बना हुआ है, और इसकी आपको साइट विजिट कराएंगे, दिखाएंगे किस तरह से ये बना हुआ है, फिर उसके बाद आपको इसके प्राइस अपडेट करेंगे और अगर आप इसमें फाइनेंस कराना चाहते हैं तो कितनी आपकी EMI आ जाएगी ये भी अपडेट करेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से ये बिल्डर फ्लोर बना हुआ है। सो इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ बिल्डिंग के फ्रंट में, टू साइड ओपन ये बिल्डर फ्लोर है, तो एक साइड हमारे को ये रोड मिल जाती है और एक साइड हमारे को ये रोड की स्पेस मिल जाती है, तो काफ़ी वाइड रोड्स के अंदर बनी हुई हैं। और अगर आप देख सकते हैं तो मेरे पीछे पार्किंग स्पेस भी है, बहुत बड़ी पार्किंग हमारे को बिल्डर फ्लोर के सामने मिल जाती है। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। पहले मैं आपको इसकी फ्रंट एलिवेशन दिखा देता हूँ। सो ये फ्रंट्स हमारी रहेगी फ्रंट एलिवेशन बिल्डिंग की, और ये सामने आप जो स्पेस देख रहे हैं सारा पार्किंग स्पेस है, काफ़ी बड़ी पार्किंग स्पेस हमारे को इसके अंदर मिल जाएगी। चारों तरफ से वॉल कवर सोसाइटी है, इसके अंदर गार्ड बैठे हुए हैं तो सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है, और ये आप देख सकते हैं कि पार्किंग की किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी, आपको काफ़ी बड़ी पार्किंग इसके अंदर मिल जाएगी। ये सारी पार्किंग स्पेस है जो कि कॉमन पार्किंग स्पेस है, और वो जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उसके पीछे हमारा रहेगा पार्क, और पार्क के दूसरी साइड फिर हमारे को इतनी बड़ी पार्किंग स्पेस मिल जाती है। सो फ्रेंड्स ये रहेगा हमारा स्टेयर्स का एरिया, ये आप स्टेयर्स देख सकते हैं कितनी स्पेस में आपको स्टेयर्स में मिल रही है। स्टील की इसके अंदर ग्रिल लगी हुई है और ब्लैक कलर का ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है स्टेयर्स के अंदर। तो इसके अंदर हम आपको लिफ्ट नहीं मिलती, विदाउट लिफ्ट ये हमको मिलता है। तो ये रहेगी हमारी एंट्रेंस गेट, और 2BHK का बिल्डर फ्लोर है जो कि DDA के 32 मीटर कॉर्नर प्लॉट पे बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सामने जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट बेडरूम है अटैच बालकनी के साथ, और अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ हमारे को मिलता है। इसके बिल्कुल साथ में हमारी इधर किचन बनी हुई है, और इधर बना हुआ है ये हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम, और साथ में एक बेडरूम और बना हुआ है। तो 2BHK का ये बिल्डर फ्लोर है, और आप लिविंग रूम की स्पेस देख सकते हैं, स्पेस जो कमरे का साइज है वो भी मैंने आपको स्क्रीन पर मैंशन कर रखा है। सारा व्हाइट मार्बल इसके अंदर लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहेगा हमारा फर्स्ट बेडरूम जिसमें हमारे को अटैच बालकनी मिलती है, और एक वुडन अलमीरा और वुडन LCD पैनल बना हुआ मिलता है। वेंटिलेशन बहुत अच्छी रहेगी इस रूम के अंदर क्योंकि ये टू साइड ओपन बिल्डर फ्लोर है, तो दोनों साइड से हमारे को इसके अंदर बालकनी और विंडोज मिल जाती है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी रहेगी। ये आप देख सकते हैं सामने बनी हुई है वुडन अलमीरा, उसके साथ में बना हुआ ड्रेसिंग टेबल, और ये बना हुआ है हमारा LCD पैनल, और इस एरिया में हम अपना बेड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये रहेगी हमारी वुडन अलमीरा की स्पेस, इतनी ही स्पेस हमारे को साथ में मिल जाती है, और साथ में ये बना हुआ है हमारा ड्रेसिंग टेबल, नीचे हमारे को इसके अंदर ड्रॉर्स मिल जाती हैं, और मिरर के पीछे भी हमारे को इसमें स्पेस मिल जाती है सामान रखने के लिए, और ऊपर भी एक ड्रॉर इसके अंदर बनी हुई। तो ये सामने है हमारा LCD पैनल, और इधर की तरफ देखेंगे तो बालकनी और साथ में अटैच टॉयलेट बाथरूम। तो ये रहेगा हमारा टॉयलेट बाथरूम की स्पेस, अभी इसमें फिटिंग्स होनी बाकी हैं। ये रहेगी विंडो वेंटिलेशन के लिए, एक अफोर्डेबल रेंज का ये बिल्डर फ्लोर है, छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। और ये रहेगी हमारी बालकनी, और ये आप सामने देख सकते हैं इसमें सारा पार्किंग स्पेस है। रोहिणी सेक्टर 24 में यही बेनिफिट है कि आपको पॉकेट्स के अंदर बहुत अच्छी पार्किंग स्पेस मिल जाती है। तो ये सामने आप देख सकते हैं बिल्डर फ्लोर के पार्किंग है जो कि कॉमन पार्किंग है, और वो सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं उसके पीछे हमारा पार्क लगता है सोसाइटी का। चारों तरफ से वॉल कवर्ड ये सोसाइटी रहेगी। सो फ्रेंड्स इस रूम से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं अपने लिविंग रूम में आते हैं तो बिल्कुल साथ में हमारी बनी हुई है किचन, ये आप देख सकते हैं किचन की स्पेस, मॉडर्न किचन का काम हमारे को इसके अंदर मिल जाता है। सामने रहेगी विंडो ताकि वेंटिलेशन अच्छी रहे किचन के अंदर,
और बिल्कुल इसके साथ में अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा यहाँ बना हुआ है सेकंड बेडरूम, जिसमें हम आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। और ये देख सकते हैं हम डाउन सीलिंग का डिज़ाइन, और इधर बनी हुई है हमारी वुडन अलमीरा और एलसीडी पैनल। सो इस रूम से जैसे ही हम वापस बाहर निकलते हैं तो साथ में हमारा बना हुआ है टॉयलेट बाथरूम, जो कि गेस्ट टॉयलेट बाथरूम की तरह भी यूज होगा और इस कमरे के साथ भी अटैच रहेगा। तो ये रहेगी हमारी सेकंड टॉयलेट बाथरूम की स्पेस। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारा बना हुआ है 2 BHK का बिल्डर फ्लोर, जो कि DDA के 32 मीटर कॉर्नर प्लॉट पे बना हुआ है। लोकेशन है रोहिणी सेक्टर 24। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा 2 BHK का बिल्डर फ्लोर जो कि रोहिणी सेक्टर 24 में बना हुआ है और DDA के 32 मीटर कॉर्नर प्लॉट पे ये बना हुआ है। तो इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 42 लाख रुपीज़, जिसमें हमारे को सेकंड फ्लोर की यूनिट मिल जाएगी। अगर इसमें आप टॉप फ्लोर विद रूफ हाइट लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, उसमें आपको एक छत पे कमरा और टॉयलेट बाथरूम भी बना हुआ मिलेगा। हमारे पास ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की यूनिट्स भी अवेलेबल है। तो सेकंड फ्लोर का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 42 लाख रुपीज़, लोकेशन रहेगी रोहिणी सेक्टर 24। तो इसमें अगर आप बैंक लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक लोन भी मिल जाएगा, सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंकों से आप इसके अंदर फाइनेंस करा सकते हैं। अगर आप इसमें 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपकी जो EMI आएगी लगभग 15,000 रुपये आएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं 10-15,000 रुपये रेंट पे रह रहे हैं तो आप इस बिल्डर फ्लोर को ले सकते हैं और अपनी EMI पे करके अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। जो EMI आपकी शुरू होगी वो आपके शिफ्ट होने के बाद हर मंथ आप देते रहेंगे और आप अपने घर में रहेंगे। तो उससे बेनिफिट ये रहेगा कि जो आप रेंट देते हैं वो किसी काउंटिंग में नहीं आता, बट यहाँ पे अगर EMI देंगे बिल्डर फ्लोर आपका अपना होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा वो रहेगा रिठाला का, और जो मेट्रो स्टेशन है वो है रोहिणी सेक्टर 24 में। बिल्डर फ्लोर पे अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। रोहिणी सेक्टर 24 में हमारे पास और भी कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 2 BHK की स्टार्टिंग जो हो जाती है वो 35 लाख रुपये से हो जाती है। तो अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसकी साइट विजिट करवा देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम दिल्ली NCR की प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ।